नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों आज बात करेंगे दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, इंडियन एयरफोर्स में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हो चुके हैं। कल ही उनका इंडक्शन हुआ है। आइए जानते हैं इनकी खतरनाक खूबी। अपाचे हेलीकॉप्टर में ऐसी कई खूबियाँ हैं जो इसे दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बेहतर बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टरों में प्रेसिशन हेल फायर मिसाइल और रॉकेट लगे हैं। एक अपाचे हेलीकॉप्टर में इस तरह की 8 हेल फायर मिसाइल और 19 रॉकेट के 2 पैड लग सकते हैं। दोस्तों खास तौर पर लगी कैनन गन एक साथ में 1200 राउंड फायर करती है, मतलब कैनन गन एक 1200 राउंड फायर कर सकती है। दोस्तों 280 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकने वाला इस हेलीकॉप्टर में 30 मिलीमीटर की 2 गन भी लगी हुई है। दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है। ये एक बार में 3 घंटे तक उड़ सकता है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर से दुश्मन के ठिकानों पर दिन या रात किसी भी समय हमला किया जा सकता है। दोस्तों इसमें नाइट विजन टेक्नोलॉजी भी लगी है जो रात के समय भी हमला किया जा सकता है, जैसा हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया था। दोस्तों उसी प्रकार इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों 60 फुट ऊंचे और 50 फुट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। कभी एक को कुछ हुआ तो सेकंड वाला सब हैंडओवर करके संभाल लेगा। दोस्तों टारगेट पर अचूक निशाना लगाने के लिए इस हेलीकॉप्टर में एक खास तरह का हेलमेट डिज़ाइन किया गया है। इस हेलमेट में डिस्प्ले सिस्टम लगा हुआ है। हेलमेट से पायलट या गनर ऑटोमेटिक M230 चेक गन लगा सकता है, जिसके बाद वो अपने सिर को हिलाकर फायरिंग कर सकता। इसका मतलब ऐसा हुआ दोस्तों कि जिस तरह वो अपना हेलमेट घुमाएगा उस तरह उसकी गन ऑटोमेटिक फायर कर देगी। इसके कॉकपिट में ऐसी शील्डिंग की गई है जिसकी वजह से इसे भेदना मुश्किल हो जाता है। इसका डिज़ाइन बेहद ख़ास है। इसकी लैंडिंग गियर सीट और फ्यूल सिस्टम बॉडी को एक जैसा डिज़ाइन किया गया है जिससे इसे क्रैश होने से बचाया जा सके। दोस्तों इसका मतलब एक वर्ल्ड का नंबर 1 अटैकिंग हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। अब इंडिया को किसी भी ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, खासकर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। दोस्तों थैंक यू सो मच। दोस्तों आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।